क्या सरोजनी मार्केट बंद हो गई है? लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? आखिरकार अफरा तफरी क्यों मची है? क्या हुआ? चलो बताती हूँ। वेलकम टू सरोजनी मार्केट एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं गई थी सरोजनी मार्केट और दिवाली की वजह से यहाँ पर लाइटिंग थी और मैंने देखा प्यारा सा स्वेटर वाइट कलर के, और इस वाली दुकान पर 250 रुपये में सेल लगी हुई थी और सारे जो स्वेटर्स थे वाइट और क्रीम शेड के थे, कुछ चेन वाले थे, बटन वाले थे। पर्सनली मुझे बटन वाला पसंद आया जो कि मैंने परचेज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ कि मैंने कौन कौन से स्वेटर्स टी शर्ट्स लिए हैं तो प्लीज़ कॉमेंट मी डाउन, मैं एक अलग से इसका वीडियो बनाऊँगी, एक अलग से इसका हॉल लेके आऊंगी, वहां पे आपको पहन पहन के दिखाऊंगी। तो ये वाला जो स्वेटर आप देख रहे हैं जो कि मैं ट्राई कर रही हूं, ये स्वेटर मैंने अपने लिए लिया क्योंकि ये मुझे बहुत क्यूट लगा और मेरे लिए परफेक्ट साइज था। एंड देन उसके बाद मैं दूसरे स्टॉल पे आई, यहाँ पे सेल लगी हुई थी 200 रुपए में, और यार 200 रुपए में इतने अमेजिंग कोट मिल रहे थे कि आप पहन के सोचोगे भाई ये मात्र 200 रुपए का है, लिटरली 200 का है। कोई भी बिलीव नहीं करेगा, कोई बता ही नहीं पाएगा भाई 200 का। सच में सरोजनी में इतनी कम प्राइस में इतने बेस्ट आर्टिकल मिलते हैं, बस आपको अच्छे से देखना आना चाहिए कि कहीं से कोई दाग वगैरह तो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हो जाता है, कभी कोई पीस गिर गया, गंदा हो गया और वही सब होता है। बाकी सच में बहुत अच्छा मटेरियल होता है, बहुत अच्छा कपड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर 200 का मिल रहा है तो उनके कपड़े अच्छे नहीं है, नहीं है, लिटरली आप देख सकते हैं हर कलर में कोट है, चेक वाले पैटर्न में भी कोट है। फिर मैं दूसरे स्टॉल पे आई और यहाँ पर 250 रुपये में जैकेट की सेल लगी हुई थी। लिटरली 250 रुपये में जैकेट मैं देख के शॉक्ड, सच में शॉक्ड हो गई भाई, 250 में जैकेट कौन देता है? लेकिन यहाँ पे थी, और ये नहीं कि मतलब एक दो पैटर्न की थी, हर कलर की थी। देखिए ये वाला कलर कितना इन है और कितनी प्यारी जैकेट है ये, लिटरली बस मेरे को थोड़ा सा साइज बड़ा हो रहा था वरना मैं इसको ले लेती। और ये वाला शेड, ये शेड हर किसी के संग जाता है, इतना प्यारा लग रहा था देखने में, और इस पर बिल्कुल भी लाइक ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से धुला हुआ हो, गंदा हो। लोग कहते हैं अरे नहीं यहाँ तो बेकार माल मिलता है, मानिए सच में यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। देन मैं दूसरे उस पे आई स्टॉल पे एंड यहाँ पे सेल लगी हुई थी 150 की। 150 में यहाँ पे इतने अमेजिंग स्वेटर्स थे, 150 में क्या ही आता है यार, कुछ नहीं आता। देखिए कितना प्यारा ब्लैक स्वेटर है, इतना ज्यादा इसका जो ऊपर जो फर था ना, इतना अच्छा इसका मतलब फील दे रहा था, बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट कपड़ा था। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्वेटर्स देखे। उसके बाद फिर मैं आई दूसरे चक्रे पे एंड देन यहाँ पे सेल लगी हुई थी 200 रुपए की, और 200 रुपए में इतने अमेजिंग पैंट्स मिल रहे थे जो कि अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, काफ़ी इन है ये अभी। और ये वाला जो पैंट है ये मैंने अपने लिए लिया, आप ट्राउज़र भी कह सकते हैं। फिर विंटर्स आ गई हैं यार, मुझे विंटर्स के लिए स्लीपर्स चाहिए थे, बट सच कहूँ मेरा साइज़ नहीं मिला, लेकिन इतनी अमेजिंग स्लीपर्स थी, इतनी अमेजिंग विंटर स्लीपर्स थी कि देख के मेरे को तो मज़ा आ गया था। क्यूट क्यूट से सारे कलर्स थे, और 250 रुपए में साड़ियाँ मिल रही थी, अपनी आप मम्मी चाचू के लिए साड़ियाँ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कपड़ा था, 250 रुपये में आप सोचोगे यार क्या ही साड़ी दे रहे होंगे, नहीं भाई इतना शानदार कपड़ा था, जो कॉटन का होता है ना, जो थोड़ा सा, और सिल्क वाली भी साड़ियाँ थी, मतलब कॉटन सिल्क दोनों की साड़ियाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में मिल रही थी, मैं देख के शॉक्ड हो गई। और ये वाला जो कलर था मुझे इतना पसंद आया। देन दूसरे मैं स्टॉल पर गई जहाँ पर आपकी सेल लगी हुई थी 200 रुपये की, और 200 रुपये में इतनी शानदार स्टाइलिश शर्ट मिल रही थी कि देख के भाई मैं तो ऐसे हो गई कि भाई क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे लिटरली। और सारे कलर्स की थी, लाइक चेक वाले पैटर्न में भी थी, येलो कलर में थी, वाइट कलर में थी, और ये जो भैया थे इतने अच्छे से दिखा रहे थे कि मेरे को लग रहा था यार कितना इजी कर दिया है, मतलब ऐसा नहीं कि खुद ही उठा उठा के देखो, वो इतने आराम से आपको दिखा रहे थे ना। और मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आई ना यहाँ पर शर्ट, बहुत ज़्यादा। और गाइस फिर मैं आ गई सरोजनी के दिल में जो कि है ग्रेफिटी लेन। यहाँ पर ना हमेशा विंटर कलेक्शन इतना अमेजिंग मिलता है कि आपकी आंखें देख के शॉक्ड हो जाएंगी, सच कह रही हूँ। इतने शानदार शानदार लॉन्ग कोट्स और शॉर्ट कोट्स जैसे आपको चाहिए ना वैसे मिल जाएंगे, इतनी सुंदर और प्रिटी ड्रेसेस इतनी रीजनेबल रेट्स में भाई आपको ना ऑनलाइन मिलेगा ना ऑफलाइन मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सरोजनी के ग्रेफिटी लेन में ही मिलेगा, जो कि देख के आपका मन खुश हो जाएगा। फिर मैं आ गई दूसरे स्टॉल पर जहाँ पर सेल लगी हुई थी 250 रुपये की ड्रेसेस की, जो कि इतनी अमेजिंग थी, और जो फ्रंट पर लगी हुई है वाइट और ऑरेंज कलर का, ये इतना
इतना सुंदर ड्रेस था, कैमरे से भी ज़्यादा रियल देखने में इतना सुंदर लग रहा था। और ये ब्लैक ड्रेस, प्लेन जिनको ब्लैक फेवरेट होता है उनके लिए तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी, मेरा तो दिल आ गया था सारी ड्रेसेस पर लिटरली, सच में मतलब मैं देख के इतनी खुश हो गई, यहाँ 250 रुपये में इतनी प्यारी ड्रेसेस कहाँ ही मिलती है भाई। फिर नेक्स्ट स्टॉल पर सेल लगी हुई थी सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये में, इतनी प्यारी प्यारी स्पेगेटी थी हर कलर की, मतलब इतने वाइब्रेंट कलर थे, लाइक ग्रीन कलर था, ऑरेंज कलर था, मुझे ऑरेंज वाला पसंद आया। बट पता है मैंने क्या किया कि पहले ऑरेंज वाला ले लिया एंड देन फिर मैंने दोबारा चेंज करके ग्रीन वाला ले लिया, क्योंकि यार इतने प्यारा था ना, समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या क्या लूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे टी शर्ट्स वाली जो शॉप थी, यहाँ पे इतनी प्यारी टी शर्ट्स थी, ओवर साइज भी थी, क्रॉप टॉप भी थी, मतलब जो जिसको फेवरेबल हो आप वैसा ले सकते हो लिटरली, मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इस टाइप की मिलेगी। फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे आई और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी टी शर्ट्स थी, ओवर साइज टी शर्ट्स भी थी और साथ में क्रॉप टॉप भी थी, जो आपको पसंद हो या जिस टाइप का आप पहनते हो। ये टी शर्ट मुझे इतनी पसंद आई और यहाँ पे मैंने अपनी बार्गेनिंग स्किल दिखाई। देन मैं उसके बाद गई दूसरे स्टॉल पे जहाँ पे सेल लगी हुई थी 200 रुपये की टी शर्ट्स की, और क्या है विंटर्स आ गई हैं तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो फुल टी शर्ट्स भी है। और ये इतनी प्यारी टी शर्ट है ना, पूरा पीछे इतना सुंदर प्रिंट था, लाइक मेरा दिल आ गया था, और आगे से इतना प्लेन था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था कि आगे प्लेन एंड पीछे प्रिंटेड, और अभी बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है ये। देन उसके बाद आप ना अपने हेयर एसेसरीज भी ले सकते हैं, लाइक हेयर पिन, हेयर क्लिप्स, रबर बैंड, जो आपको पसंद हो, जिस टाइप का आप अपना गेटअप बनाना चाह रहे हो, ड्रेसअप बनाना चाह रहे हो, आप बिल्कुल ले सकते हो। और लिटरली यहाँ पे स्क्रंची ना सिर्फ 10-10 रुपये की मिलती है, वैसे मार्केट में आप जाओगे तो वो लोग पता नहीं कितना कितना रेट लगाते हैं, समझ ही नहीं आता उनका, इतनी महंगी बेचते हैं। लिटरली यहाँ पे स्क्रंचीज बहुत सस्ती थी। फिर उसके बाद यहाँ पे बैग, पर्स और थैले वैले, मतलब लिटरली सब तरीके का सामान मिलता ही मिलता है। उसके बाद फिर यहाँ मार्केट में ना मैंने है ना कुछ ज्वेलरीज देखी जो कि मुझे ना बहुत अच्छी लग रही थी, बट यार मैं पहनती कम हूँ तो इसलिए मैंने ली नहीं, बट मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, मुझे पहनना ही नहीं आ रहा था कि कैसे पहनते हैं, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था। फिर ईयरिंग्स मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ 30-30 रुपये में, समझ सकते हो आप, मतलब 30 रुपये में, वैसे मार्केट में आप जाओगे 50 का देते हैं, लाइक 20 रुपये महंगा, बट यहाँ 30 रुपये का मिल रहा था। और यहाँ पर कमेटी आ गई थी गाइस, तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि ये जो दुकान वाले होते हैं ना, ये अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लेते हैं। तो गाइज ये रहा मेरा आज का पहला लॉन्ग ब्लॉग, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया हो। और सच में अगर पसंद आया हो ना तो प्लीज़ कॉमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक कॉमेंट, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए, और मुझे सच में बहुत खुशी देता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।